अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। इसके लिए हम पहले उसके लिए डो बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच भर के कोई भी रिफाइन ऑयल लिया है सादा अपना, और 2 टीस्पून नमक लिया है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, और 2 टीस्पून सूखा ईस्ट लिया है। अगर आपके पास ये ना भी हो तो आप गीला वाला ईस्ट भी ले सकते हैं, और 1.5 कप दूध लिया है, और इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे और गुनगुना पानी लिया है हमने 1 कप, और ये 1/2 कप पानी में हम ये 2 टीस्पून शक्कर बारीक पिसी हुई डाल देंगे सबसे पहले, फिर इसमें हम ये सूखा वाला, ये गुनगुना पानी लिया था हमने, ये सूखा वाला ईस्ट इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे, और इसको घोल कर थोड़ी देर 1-2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। इसे हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे, फिर अब एक के बाद एक चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले अंडे डाल देंगे, फिर उसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक अगर आप कम लगे तो फिर और शक्कर डाल दें, फिर ये मीठा तेल डालेंगे और इसे हम गुनगुने पानी से गुनेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा ईस्ट इस तरह से फूल गया है, अब ये भी इसमें मिक्स कर डालेंगे सब, फिर एक साथ डाल के उसके बाद फिर इसमें हम दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और फिर ये गुनगुना पानी जो हमने रखा था वो भी थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, फिर सब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा और अच्छे से गुन लेंगे। ये इसको हमने अच्छे से हम गुन लिया है, ये हमारा डो तैयार है। फिर इसे हम एक फॉइल लगा के 2 घंटे के लिए इसे कोई गर्म जगह रख देंगे, 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर सर्दी के दिन है तो उसे 3 घंटे रखना पड़ेगा, और गर्मी के दिन है तो 1-1.5 घंटे में आ जाता पानी। अगर आपको जल्दी से उसमें खमीर उठाना है तो आप ओवन को प्री हीट करके उसमें भी रख सकते, बंद कर देना ओवन थोड़ा गर्म करके फिर उसमें रख देना अंदर, तो वो जल्दी खमीर उठता आटे पे। इस तरह हमने इसे क्लीन फॉइल से इसे चारों तरफ से ऐसा पैक कर दिया है, अब इसे हम गर्म जगह रख देंगे। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। ये हमने 6:30 बजे से, शाम के 6:30 बजे से तो 7:30 बजे तक रखा। हमने ओवन को गर्म करके इसमें रखा तो जल्दी से, इसलिए अच्छे से इसमें खमीर उठा। इस तरह उसको दबा के इसमें से हवा जो भी है वो निकाल देंगे, इस तरह दबा देंगे, थोड़ा तेल लगा के हाथ को ताकि वो चिपके ना। फिर अच्छे से उसको और एक बार मालिश कर देंगे। ये डो हमारा, ये डो आप तो पिज़्ज़ा के लिए, ब्रेड के लिए, और जो भी आपको बनाना है, गार्लिक ब्रेड, अपना सादा ब्रेड, पिज़्ज़ा ब्रेड, सब हर चीज़ के लिए यही डो काम आता है, इसलिए आप इसकी रेसिपी याद रखिए और इसी तरह हमेशा गुनना। ये इस तरह इसमें से जाले बनना, इस तरह ये नरम मुलायम हो जाना। ब्रेड के अंदर का बैटर बनाने के लिए हमने 1/2 किलो चिकन लिया है, जिसे हमने छुरे से बारीक कीमा करा है, इसे मिक्सर में नहीं करना, छुरे से करना। और 3 बड़े डल्ली प्याज के लेके इसे बारीक चॉप कर दिया है हमने, 2 प्याली भर के कोथमीर हरा धनिया लिया है,
और बड़े 3 टेबल स्पून लहसुन को हमने बारीक इस तरह से चॉप कर दिया है। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं इसको। और 1 प्याली हरी प्याज से बारीक काटे हैं और 10-12 हरी मिर्चियाँ। अगर आप और तीखा खाते तो आप और ले सकते हैं, और अगर कम तेज़ खाते आप तो आप कम भी ले सकते हैं। और ये 1.5 टेबल स्पून काली मिर्ची लिया है जी। वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चमचे मैदा, और इसमें से हम आधा चिकन में डालेंगे काली मिर्ची और आधी वाइट सॉस में डालेंगे। ब्रेड के अंदर का बैटर बनाने के लिए हमने 1/2 किलो चिकन लिया है, जिसे हमने छुरे से बारीक फीमा करा है। इसे मिक्सर में नहीं करना, छुरे से करना। और 3 बड़े डल्ली प्याज के लेके इसे बारीक चॉप कर दिया है हमने। 2 प्याली भर के कोथमीर हरा धनिया लिया है, और बड़े 3 टेबल स्पून लहसुन को हमने बारीक इस तरह से चॉप कर दिया है। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं इसको। और 1 प्याली हरी प्याज से बारीक काटे हैं और 10-12 हरी मिर्चियाँ। अगर आप और तीखा खाते तो आप और ले सकते हैं, और अगर कम तेज़ खाते आप तो आप कम भी ले सकते हैं। वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच मैदा और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची और 2 चिकन स्टॉक लिया हमने मैगी के। आप चाहे तो जो भी है आपके पास ले सकती है, नहीं भी डाल सकते, वेज भी ले सकते हैं आप इसमें। और 1 बड़े टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है जो हमें वाइट सॉस के लिए लगेगा, और 1 कप हमने दूध लिया है, और 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने 1 चम्मच मीठा तेल डाला है, फिर उसमें ये आधा लहसुन, इसमें आधा लहसुन डाल देंगे और आधा वाइट सॉस के लिए हमने रख। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। हमने इसमें कीमा डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। फिर ये जो काली मिर्च रखी थी उसमें से हम आधी राय डालेंगे और आधी वाइट सॉस के लिए रखेंगे। ये खीमे में हमने थोड़ा सा पानी डाल के फिर थोड़ा और पकने देना है 3-4 मिनट तक। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा से और 2-3 मिनट तक पकने देंगे। फिर इसके बाद हम वाइट सॉस बनाएंगे, इसे अच्छी तरह से टुकड़े कर लें। सबसे पहले हम इसमें ये जो घी रखा था हमने असली, वो डालेंगे। उसके बाद ये लहसुन डालेंगे, थोड़ा लहसुन को ब्राउन होने देंगे। उसके बाद ये मैदा जो हमने रखा था 1 कटोरी वो डाल देंगे, इसे जल्दी जल्दी हिलाना है। थोड़ा सा ब्राउन होने तक भुनेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि
से डाल लेना बने। उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। जो काली मिर्ची रखा था वो भी डाल देंगे। ऐसे जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा सा और आधा कप पानी डालेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह पक जाए। नमक हम इसमें अभी इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि अभी हम इसमें चिकन स्टॉक डालने वाले हैं जो काफ़ी खारे होते हैं, इसलिए अभी वो डाले बाद चख के नमक डालेंगे। धीमे में भी हमने नमक डाला है। हमने इसमें अभी और आधा प्याली पानी डाला है और फिर ये चिकन स्टॉक को थोड़ा थोड़ा कुचल कर उसको डालें, इसको अच्छे भूनने दें। अगर आपको लगे तो आप एक भी डाल सकते हैं। अभी हमने एक ही डाल के देखा, इसे अच्छी तरह पकने दे। इसको अच्छी तरह आपको लगे अभी मैदा नहीं पका तो आप और थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो टोटल एक कप पानी डाला हमने इसमें और एक कप दूध। अब इसमें हम ये खीमा जो हमने भून कर रखा था वो इसमें मिक्स कर देंगे। मिला लेंगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें प्याज फिर ये जो हरी मिर्ची रखी थी हमने वो डाल देंगे। ये हरी मिर्ची और जो प्याज हमने रखा था वो भी डाल देंगे इसमें। इस तरह ही प्याज को मेरा हरी मिर्ची आखिर में इसलिए डालेंगे ताकि हरी हरी और अच्छी करंची रहे। ये प्याज की पत्ती और ये हरा धनिया जो हमने रखा था काट के वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा बैटर थोड़ा सूख गए बाद ब्रेड के लिए तैयार है। फिर इसे हम ब्रेड में भरकर बेक करेंगे। इस तरह से सूखने दे 3-4 मिनट, थोड़ा पकने दे। अच्छी तरह से हमने जो मैदा गुन के रखा था उसको इस तरह से गोल चारों तरफ से ऐसा बेल लेंगे। फिर उसके बाद उसे उसके कोने इस तरह पिज़्ज़ा कटर से साइड से जो मोटे कोरे वो काट लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं भी हो तो आप चाहे तो छुरी से भी काट सकते हैं। ये इस तरह से काट लेंगे लंबा, साइड का वेस्ट वाला निकाल देंगे, बाद में जब हम और बेलेंगे इसमें ले लेंगे यूज। इस तरह से
चारों तरफ से फिर उसको इस तरह से साइड से दबा लें। फिर चारों तरफ से थोड़ा पानी लगा लें इसके कोरों पे, ताकि वो अच्छी तरह चिपक जाए और उसको मटेरियल बाहर ना आए। इस तरह से हम चारों कोने पानी लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने चिकन का क्रीमे का मटेरियल बनाया था वो इस तरह इसमें भर देंगे अच्छे से। और इसे इसके ऊपर लगाने के लिए हमने एक अंडा लिया है, इसे फेंट दिया है और इसके ऊपर हम फिर तेल से गार्निशिंग करेंगे। तो अब इस तरह लंबा भर लेंगे इसे। फिर ये पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से इसको दोनों तरफ से ऐसा कटर से काट के इस तरह से साइड से काट लेंगे। इस तरह से काटते जाएंगे, फिर बाद में हम इसे एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह ये हमारा लंबा रोल बन जाएगा। सबसे पहले आप नीचे का फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से इसे हम चिपकाना चाहिए, चिपका देंगे, क्योंकि नहीं तो उसका मटेरियल बाहर आ जाता। फिर इस तरह इसके ऊपर एक जाने देंगे, फिर वो दूसरा उसके ऊपर इस तरह फोल्ड करते जाएंगे एक के ऊपर एक इस तरह से, फिर उसके ऊपर दूसरा और इस तरह, फिर एक और। अच्छे से इसको अच्छे से दबा के चिपकाएंगे, फिर ये दूसरा, फिर एक और के, फिर उस पे और। इस तरह से ये बाकी के जो है बचे हुए इस पे इस तरह से चिपका लेंगे। और ये एक अगर हमको वेस्ट एक बर्गर से काट के निकाल भी सकते हैं। फिर उस पे जो अंडा हमने फेंट के रखा था वो इस तरह लगा लेंगे इस पे अच्छे से, चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे। फिर इसके बाद इस पे ये तिल लिया हमने, इस तरह से तिल को इस पे डाल देंगे। फिर ओवन को अच्छे से गरम, पहले से हमने गरम करके रखा था, अब उसे बेक करेंगे। आधा घंटा बेक करेंगे। लीजिए ये हमारे चिकन रोल तैयार हैं, जिसे हमने 230 डिग्री पर 30 से 40 मिनट तक बेक किया है। दोनों साइड से दोनों कॉइल चालू करके इसे बेक किया है हमने। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे बेक करना है। आप चाहे तो इसे राइस कुकर में भी बेक कर सकते हैं।